ऐसे जैसे ही इस मन में कितना ही सीमेंटेड हो गया हो यह मन, लेकिन उसके बावजूद यदि हम प्रयत्न करते जाएं तो मन को ढीला होना पड़ेगा, मन की गिठानों को खुलना पड़ेगा। पर उसके लिए प्रयत्न कैसा चाहिए? ईमानदारी के साथ चाहिए। कभी कभी देखते हैं कि बुजुर्ग अवस्था में व्यक्ति मकान बनाने के सपने देखता है, और मकान बनाने के जब सपने देखता है तो सपना एक दिन में साकार नहीं होता। 65 साल की उम्र में व्यक्ति मकान बनाने का ठेका लेता है, बेड़ा लेता है कि बच्चे को फुर्सत नहीं, पोते को फुर्सत नहीं है, मुझे ये काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं निवृत्त हूं। उसके बावजूद एक दिन दो दिन नहीं, तीन तीन साल भिड़ करके मकान खड़ा हो जाता है, इमारत खड़ी हो जाती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसको जाने का समय आ गया, वो व्यक्ति भी भिड़ करके इतना परिश्रम करके इमारत खड़ी कर देता है। तो क्या हम इस मनुष्य जीवन में जो बचा हुआ समय है उसे प्रयत्न करके अपने आप को नहीं सुधार सकते? प्रयत्न करने से साध्य की प्राप्ति होती है, नियम है, पर प्रयत्न ईमानदारी के साथ चाहिए। अभी हम प्रयत्न करते हैं लेकिन प्रयत्न में जितना प्रहार होना चाहिए उतना प्रहार नहीं होता। टिक टिक करते रहे तो कील नहीं ठुक सकते, कहीं ना कहीं उसमें वेग लाना पड़ेगा। और उस वेग को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन में तन, धन और परिजन, इनके इंपॉर्टेंस को कम करना पड़ेगा, इन्हीं में से समय निकालना पड़ेगा, और समय निकलेगा। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है मेरे पास समय नहीं है, तो वो अपने आप को झुठलाता है। एक बहन होती है, उस बहन का मान लो बच्चा हुआ और बच्चा छोटा है, 2 साल का बच्चा है, अभी अभी गोदी से हटा है, और थोड़ा बहुत कभी 4 पांव पर कभी 2 पांव पर चलता है, और चलते चलते कभी कभी गिर जाता है। उस माँ का पति, उस माँ का जो पति है वो पति व्यवसाय करता है, और उस व्यवसाय के लिए उसको भी सुबह सुबह जाना होता है। एक तरफ बच्चे का भी टेंशन रहता है, एक तरफ पति का भी टेंशन रहता है, और कभी कभी ससुर जी बीमार होते हैं तो उनको दवाई भी समय पर देना होती है, और कभी कभी मेहमान आ जाते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी भी करना होती है। और इसके बावजूद कभी दूध वाला नहीं आता, कभी राशन कम हो जाता है, कभी गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, ये सब परेशानियां हर बहन के जीवन में कभी ना कभी आती है। ऐसी बहन भी यदि प्रश्न पूछा जाए कि सबके कर्तव्य निभाते निभाते क्या कभी ब्रश करती कि नहीं करती दिन भर में, कभी स्नान करती कि नहीं करती है, कभी वस्त्र बदलती कि नहीं बदलती है, कभी बाल संवारती कि नहीं संवारती है, ये सब काम कैसे हो जाते हैं? समय निकालने से निकलता है और नहीं निकालने से नहीं निकलता है। मंडे से लेकर सैटरडे तक जो व्यक्ति अति व्यस्त होता है, संडे के दिन तो उसको फुर्सत मिलती है ना, लेकिन संडे के दिन पे जिसका लक्ष्य होता है कि मुझे आज कुछ धर्म करना है, वो संडे के दिन कम से कम पूजा कर लेता है, प्रवचन अटेंड कर लेता है, सामायिक कर लेता है, पर जिसका लक्ष्य ही नहीं है वो संडे का दिन भी ऐसे ही गवा जाता है। गवाने के लिए हमारे पास कई विषय हैं, पर जिस व्यक्ति को अपने जीवन को संवारना है तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा? अपने विषयों की छटनी करना होगी। आजकल एक एनालिसिस होती है, एक विश्लेषण होता है, ABC एनालिसिस कहलाती है, कि हम अपने द्वारा किए जाने योग्य हर कार्य को पहले लिस्टिंग करें, एक सूची बनाए उसकी। हम जानते हैं बहुत सारे काम हमारे रूटीन के होते हैं। इस सोमवार को कोई टीवी का कार्यक्रम देखा तो हमें पता होता है, हमारी भावना हमें मालूम होती है कि अगले वीक भी अपने को ये कार्यक्रम देखना ही, छोड़ना नहीं। बहुत सारी चीजें प्री प्लान होती है हमारी, उसकी सूची बनाए, और सूची के 3 भेद करें, A, B और C। ए मतलब अति आवश्यक, बी मतलब आवश्यक, और सी मतलब अनावश्यक। आप देखते जाइए अपने जीवन में जो करने योग्य कार्य आपको लगते हैं कि तो हमको करना होते हैं, हम करते हैं, उनको आप बराबर 3 में विभाजित तो कर दीजिए कम से कम। अति आवश्यक वो है जिसके बिना कोई चारा नहीं है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहेंगे, गंवाना नहीं चाहेंगे, उस काम को तो करना ही है। मान लीजिए कि कल शादी है अपने घर में, और आज किसी व्यक्ति को, बहुत निकटतम व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, तो हमारी प्राथमिकताएं सब बदल जाती है एक क्षण में, और हम पूर्ण निर्णय करते हैं कि इनको अभी बॉम्बे ले जाना है। ये कौन सा कार्य कहलाएगा? ये अति आवश्यक कार्य।
मतलब इसके बिना चारा नहीं है, और इसके लिए हमें अधिक उहापोह नहीं करना पड़ेगी, अधिक प्लानिंग नहीं करना पड़ेगी, वो तो सिर पर आ चुका है, हमको करना ही है। ऐसे कुछ कार्य होते हैं उसको ए श्रेणी में डालते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें तात्कालिक रूप से कोई लाभ नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे वो लाभ देते हैं। यदि उस कौवे की कहानी हमको याद हो कि जिस कौवे को पानी पीना था और मटके में पानी बहुत नीचे था, फिर भी पानी पीना था, तो उसने क्या किया, अपनी चोंच से एक एक कण डालते गया उस मटके में, तो एक क्षण में तो उसको पानी नहीं मिला, लेकिन लंबे समय के परिश्रम के बाद मीठा जल, शीतल जल उसको नसीब हो गया। तो ऐसे कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो लंबे समय में जाकर के आउटपुट देते हैं, लंबे समय में जाके लाभ देते हैं, पर तब देते हैं जब हम उन कामों के प्रति लगातार समर्पित रहें। तब धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म का लाभ भाव जगत में किसको कितना आता है वो एक दिन में नहीं गिना जा सकता, लेकिन लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद लाभ जरूर आता है, व्यक्ति के भीतर में अपने आप चेंज आता है। एक साधु वो होता है जो एक दिन का साधु है, और एक साधु वो परिपक्व साधु होता है जो 30 साल का साधु है, आपको अंतर दिख जाएगा। एक डॉक्टर वो होता है जिसने कल MBBS किया है और आज प्रैक्टिस चालू की है, और एक डॉक्टर वो है जो 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, अनुभव में अंतर अपने को स्वतः दिखेगा। ऐसे कुछ आवश्यक काम होते हैं जिनका आउटपुट अपने को लंबे समय के बाद दिखाई देता है, उन कार्यों को अपन बोलेंगे आवश्यक कार्य। जैसे भाई भाई है तो एक भाई दूसरे भाई का रेस्पेक्ट रखे, इस रेस्पेक्ट रखने के बदले उसको हाथों हाथ कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्रेडिट बढ़ेगी और वो क्रेडिट उसको किसी भी काम आएगी। आप समाज में कुछ सेवा दे रहे हो, सेवा लेने के लिए सेवा कहीं मत दीजिए, लेकिन कभी आप किसी दिन मोहताज हो जाएंगे तो ये समाज ही आपको सेवा दे देगा, आपके मित्र, आपके परिजन आपको सेवा दे देंगे मौका आने पर। ऐसी जैसी धर्म भी एक चीज है, आप नियमित एक सामायिक कीजिए, आपको एक दिन में कोई अंतर महसूस नहीं होगा, लेकिन लगातार सामायिक करेंगे और आप एक सामायिक में सिर्फ 4 पन्ने पढ़ते हैं तो आपको 1 साल के बाद पता पड़ेगा कि अपन ने 2-3 अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ लिए, उतना ज्ञान वर्धन ही नहीं हुआ, उतना भावना वर्धन भी हो गया हमारा और स्वतः हो गया। हमें 24 घंटे का 25 घंटा नहीं करना पड़ा, लेकिन 24 घंटे में हमने थोड़ा एडजस्टमेंट किया और हमारी एक सामायिक हो गई और उससे हमको इतना लाभ हो गया। कई भाई हैं जो महाराज साहब के पास रोज जाते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक विधि नहीं आती, कौन सी विधि, गुरु वंदन की विधि नहीं आती। एक विधि जीवन भर की निधि बन सकती है, आप जब भी गुरु महाराज के पास जाएं तो आपको कभी झिझक नहीं होगी, आपको शर्म नहीं आएगी कि अरे अपने को अभूठों में नहीं आता। कई बार भाइयों को बहनों को बोलना पड़ता है प्रवचन के बाद में कि आप गुरु वंदन स्टार्ट करो, ये तो नहीं बोल सकते हमको नहीं आता, लेकिन उसका अर्थ ये निकल जाता है। पर ये चीज क्यों नहीं आई, ये प्रश्न अपने आप से पूछें। इतने मोबाइल नंबर याद करने वाले, इतने सब आंकड़े याद रखने वाले, इतने गाड़ी नंबर और टेलीफोन नंबर से याद रखने वाले, क्या इतनी सी विधि याद नहीं रख सकते? रख सकते हैं, लेकिन हमने कभी उतना समर्पण किया ही नहीं, उतना समय का अवकाश दिया नहीं कि एक चीज कर लेंगे जीवन भर की तसल्ली रहेगी। तो इसलिए हमें एक चीज समझना पड़ेगी कि सिर्फ अति आवश्यक में हमारा जीवन नहीं बीत जाए, कि हर समय हम संकटवादी होकर जीते रहे कि बस संकट आ गया इससे पहले निपटना है फिर सोचेंगे कुछ और। अति आवश्यक काम निपटाना जरूर है, लेकिन अति आवश्यक काम में जीवन को नहीं निपटा देना। क्या करना, अति आवश्यक को करते करते कुछ समय और निकालना जिसमें हम कुछ आवश्यक कार्य भी कर लें। पर आवश्यक काम कौन कर पाएगा, तो जो अनावश्यक कामों को छोड़ेगा। इसे तीसरी सूची बननी चाहिए अनावश्यक कामों की। अनावश्यक काम उनको कहते हैं जिनका ना जीवन निर्वाह से संबंध है और ना आत्म कल्याण से संबंध है, न तो बाहर के जगत का विकास होगा उससे और न भीतर के जगत का विकास होगा। व्यक्ति ताश खेल ले कितना ही, पर ताश खेलने से वो बादशाह नहीं बनेगा, वो संसार का इक्का नहीं बनेगा। उसको तो जो जीना है वो तो उसको अपना पत्ता, अपने जीवन का पत्ता स्वयं उठाना पड़ेगा और स्वयं रखना पड़ेगा। कोई बहन कितनी निंदा क्यों ना कर ले किसी की, लेकिन निंदा करने से जिसकी निंदा कर रही उसका बुरा कुछ नहीं होने वाला, बुरा होगा तो स्वयं का होगा, क्रेडिट घटेगी, विश्वास घटेगा तो स्वयं का घटेगा। कई बार सुनने वाली बहन भी ये सोचती रहती है कि ये बहन हमेशा निंदा करती रहती है,
लेकिन सोचती रहती, बोलती तो यही है कि सच बात है तू बहुत बहुत बुरी अवस्था चल रही है, तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन अंदर निंदा सोचती है कि ये तो बहुत ही झगड़ालू है, ऐसी भी स्थिति आती है। जबकि निंदा करने वाली बहन बोल रही है या सोच रही है कि देखो ये सामने वाली बहन मेरे को कितनी सहानुभूति देती है और मेरी सासू जी मेरे को सहानुभूति नहीं देती, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ये स्थिति जो आती है वो एक ही चीज हमें बता रही है कि हमें अनावश्यक कामों को पहले गंभीरता से चिंतन करना, और जो तय हो जाए कि अनावश्यक है तो फिर मोह नहीं रखना उसका, कम से कम अनावश्यक कार्यों का तो मोह छोड़ दें। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमारे जीवन में क्या घटना घटेगी कि हम ए वाली श्रेणी के जो कार्य हैं वो पूरे करेंगे, समय निकालेंगे और बी वाली श्रेणी के काम करेंगे और सी वाली श्रेणियों से दूर रहना चालू कर देंगे। टीवी देखते होंगे आप, लेकिन आप तय कर लीजिए कि वो आवश्यक है कि अनावश्यक है। यदि आपको लगता है अनावश्यक और सिर्फ कमजोरी वश, संस्कार वश, देखा देखी यदि आप देखते हैं तो देखते हुए खेद करते जाइए अंदर कि मैं गलत कर रही हूं, मैं अनावश्यक कर रही हूं, मैं अनावश्यक कर रहा हूं। जब बार बार ये करते जाएंगे आप तो एक दिन आप स्वयं गुरु महाराज के पास आकर के हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे मुझे अब पचखंड दे दीजिए कि मैं टीवी नहीं देखूंगा या टीवी नहीं देखूंगा। इस मनोबल का विकास हमें स्वयं करना पड़ेगा। वो समय गया जब उंगली पकड़ के कोई हमारे को कहीं ले जाता होता, अब हमें स्वयं अपना क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या भला है क्या बुरा है, इसका विवेक स्वयं रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो जीवन को एक कला रूप में बिताएगा तो क्या करते जाएगा, धीरे धीरे अनावश्यक कामों को छोड़ते जाएगा और जीवन को संवारेगा, सजाएगा और सुंदर बना देगा। इस अल्प जीवन में भी वो कोई ना कोई उपलब्धि लेकर के जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि बाहर के जीवन के लिए या अनावश्यक कार्यों के लिए उसका पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो समय निकाल करके अपना भला कर लेगा और यही कला है। 8 घंटे जब एक बहन टीचर बनकर के स्कूल में समय बिता जाती है तो क्या 8 घंटे एक गृहिणी अपने परिवार का वैसा ही ख्याल रखते हुए जैसा वो शिक्षिका करती है वैसा रखते हुए क्या अपने 8 घंटे का समय धर्म ध्यान में नहीं लगा सकती? क्यों उसको ऐसा सोचना होता है कि बुढ़ापे में करेंगे हम धर्म ध्यान? या क्यों वो ऐसा सोचती कि मैं एक समय करती हूं मतलब बहुत अच्छा कर लेते हैं? उसको तो ये सोचना होगा कि मैं एक समय करती हूं तो मैं 7 समय कम करती हूं। 8 घंटे निकाले जा सकते हैं ऐसा उसको विश्वास आना चाहिए। ऐसी एक भाई जो शाम को गप्पे मारने में, चौराहों पर खड़े होने में 2-2, 3-3 घंटे बिता देते हैं, वो इतना ही सोच लें कि 2-3 घंटे यदि मैं सत्संग कर लूं, स्वाध्याय कर लूं, कोई अच्छी भजन की सीडी सुन लूं, या कोई अच्छी पुस्तक पढ़ लूं, या जप कर लूं, या मन को शांत करने वाली कोई क्रिया कर लूं तो कितना अच्छा होगा। ये मन वापस चार्ज हो जाएगा, फिर काम करने के तैयार हो जाएगा। दिन भर तो इस मन का मैंने बहुत शोषण किया, खूब इधर उधर दौड़ाया, अब थोड़ा सा इसको रेस्ट दे दूं, अशांति के बादल हटा दूं तो वापस थोड़ी देर शांत हो जाएगा, तो अगले दिन के लिए एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा संचरित हो जाएगी। सोच सोच का फेर है। एक व्यक्ति समय की बर्बादी को मनोरंजन मान लेता है और एक मन के विकारों को निकालना मनोरंजन मान लेता है। साधु भी मनोरंजन करता है लेकिन अपने विकारों को निकाल निकाल के मनोरंजन करता है कि मन को रंजित कर रहा है, मन को उत्साहित कर रहा है। और एक व्यक्ति टीवी के सामने खड़े होकर के, पिक्चरों के सामने बैठ करके अपना समय बर्बाद करता रहता है। करना एक ही कार्य, हमें संक्षेप में कहें, सार रूप में कहें, इतना ही सार है कि पहली चीज तो ये कि इस जीवन में आए हैं तो इस जीवन को हल्के में नहीं लें, ये जीवन अमूल्य में अमूल्य है। दूसरी चीज ये कि इस जीवन में जो उपलब्धियां मिली हैं उनका अहंकार नहीं करें, कभी भी किसी भी क्षण छूट जाएंगे।